Welcome SVPites to presentation on chapter number 4, Shapes and Patterns, and this is part 3 of our presentation. So students, in our previous presentation, we have learnt about different type of shapes and patterns. और real life में हम कहाँ कहाँ पे हमें अलग अलग टाइप की shapes दिखती हैं वो भी हमने देखा था. And then we did exercise 4A in our previous presentation. Now let's move further and we will see different shapes, जिसमें 3D shapes and 2D shapes. So, what is 3D? यहाँ पे 3 का मतलब आपको पता ही है. 3 means 3, right? D का मतलब होता है dimension. D का मतलब होता है dimension. So, ये जो shapes हैं, ये क्या हैं? 3-dimension shapes. तो 3-dimension shapes होती हैं. रियल लाइफ में हम देखते हैं, वी विल एक्सप्लेन मोर. सिमिलरली दूसरी टाइप की शेप होती हैं जो है 2D, अगेन D फॉर डायमेंशन. सो 2-dimension शेप्स. अब आप जो है, फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी स्क्रीन पे सपोज मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ओके, व्हाट आई ड्रू वाज अ ट्रायंगल. Now can you tell me triangle is a 2D or 3D? अब आप देखिए, मैंने इसको ड्रॉ किया स्क्रीन पे. स्क्रीन में कितनी डायमेंशन है? एक तो स्क्रीन की लेंथ है, राइट? ये तो स्क्रीन की लंबाई हो गई इतनी तो, और इतनी जो है उसकी चौड़ाई हो गई. ओके, वन सेकेंड. एंड द अदर वन इज इसकी चौड़ाई. सो कितनी शेप, कितनी हमें डायमेंशन मिली है इसमें? एक डायमेंशन लंबाई और दूसरी डायमेंशन इसकी चौड़ाई, ब्रेथ. लेंथ एंड ब्रेथ सिर्फ दो ही डायमेंशन है. स्क्रीन में मुझे गहराई नहीं मिली ना, आई कैन नॉट मेक थर्ड डायमेंशन हेयर. सो ऐसी कोई भी शेप जो आप पेपर पे या आपकी नोटबुक पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं, वो शेप क्या होती है? 2D, क्योंकि आपको उसमें सिर्फ लेंथ मिलती है और ब्रेथ मिलती है, लंबाई मिलती है और चौड़ाई मिलती है. सो लंबाई एक डायमेंशन हो गई, चौड़ाई दूसरी डायमेंशन हो गई. सो आपको क्या मिले? सिर्फ दो ही डायमेंशन. सो ट्रायंगल इज 2D, क्योंकि ट्रायंगल में मैंने क्या किया, मुझे इसकी लेंथ मिली और मुझे इसकी ब्रेथ मिली. ओके, सिमिलरली स्क्वायर. ओके, वी विल इरेज एवरीथिंग. स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर. मैंने स्क्रीन पे स्क्वायर ड्रॉ किया. अब स्क्वायर में भी आप देखिए क्या है, एक तो इसकी लेंथ है और एक इसकी ब्रेथ है, बट इसकी डेप्थ नहीं है ना, या इसकी हाइट भी नहीं है. मैं ड्रॉ नहीं कर सकता पेपर पे, राइट, या स्क्रीन पे. सो देन दिस इज ऑल्सो 2D. सो ट्राइंगल, रेक्टेंगल, इवन सर्कल, ये सब क्या है? ये है आपकी 2D, बिकॉज only 2 dimensions are there in these shapes. Okay, so this is 2D shapes. D means dimension. कौन कौन से shapes 2D हैं? For example, पत्ती, जो आप पेड़ पौधों की पत्ती देखते हो, पत्ती की मोटाई होती है बहुत कम होती है ना, थिकनेस पत्ती की जो है लीफ की बहुत कम होती है, सो दैट इज वाई इट इज 2D. जो ब्लेड होती है, जो नाइफ है, नाइफ क्या है? 2D ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नाइफ में क्या होती है, उसकी लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, बट नाइफ की हाइट बहुत कम होती है, बहुत पतला होता है ना नाइफ. सो नाइफ इज ऑल्सो 2D. सो नाइफ इज ऑल्सो 2D. क्लियर? नाउ जो ये पैन होती है, फ्राई पैन, जिसमें आपकी मम्मा आपके लिए से डोसा या रोटी बनाती हैं, वो भी क्या है? 2D शेप होती है, क्योंकि उसकी मोटाई बहुत कम होती है, उसकी जो हाइट है कम होती है. सो दे आर ऑल 2D शेप्स. नाउ लेट्स कम टू 3D. सो यहां पे D का मतलब क्या है? डायमेंशन. तो यहां पे क्या है, इन शेप्स में क्या है? 3 dimensions है. तो 3 dimensions कौन कौन सी है? लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों तो है ही, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन होती है, और डायमेंशन क्या है? ऊंचाई या गहराई, दैट इज कॉल्ड हाइट और डेप्थ.
सो 3D ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, तीन डायमेंशन होती हैं, थ्री डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, और हाइट को ही आप बोल सकते हैं डेप्थ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत मोटी बुक लेंगे तो मोटी बुक में क्या है, ये देखिए, ये उसकी चौड़ाई हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये वी विल यूज ब्लैक कलर पेन, सो दिस इज ब्रेथ, ओके, दिस इज लेंथ, और उसके अलावा एक और डायमेंशन है, वो है हाइट, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी बुक में से एक पेज फाड़ेंगे, इफ यू टेयर ऑफ वन पेज, एक पेज अगर आप फाड़ेंगे आप अपनी नोटबुक में से, तो वो पेज तो क्या है, टू डायमेंशन, क्योंकि उसमें सिर्फ लेंथ है और विड्थ है, विड्थ या ब्रेथ, बट उसमें क्या नहीं है, बहुत पतला पेज है, तो उसमें क्या है, उसकी हाइट नहीं है, तो वो तो हो गया टू डायमेंशन। बट नोटबुक अगर आप देखें तो नोटबुक की तो मोटाई होती है ना, मोटी होती है नोटबुक या आपकी बुक, दोनों मोटी होती हैं, तो उसमें कौन सी एक्स्ट्रा डायमेंशन होती है, उसकी मोटाई या हाइट। सो दैट इज व्हाई नोटबुक इज थ्री डायमेंशन, 3D, बट अ पेज, जो उसका पेज होता है नोटबुक में, इकलौता पेज, अकेला पेज, वो क्या है, 2D होता है, टू डायमेंशन होता है। सो नोटबुक इज थ्री डायमेंशन, व्हाई, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। आपके घर में अगर एक्वेरियम है, एक्वेरियम होता है जिसमें फिशेज रहती हैं उस टैंक में, तो ये भी क्या होता है, एक्वेरियम भी क्या होता है, थ्री डायमेंशन। कैसे होता है, ये उसकी लेंथ हो गई एक्वेरियम की, तो वन डायमेंशन, ये उसकी विड्थ हो गई, टू डायमेंशन, और ये उसकी हाइट हो गई, थ्री डायमेंशन। सो एक्वेरियम इज ऑल्सो थ्री डायमेंशन। टेलीविजन जो है, TV या माइक्रोवेव ओवन, आपके घर में अगर माइक्रोवेव ओवन है तो वो भी क्या है, थ्री डायमेंशन, क्यों, उसकी विड्थ है वन डायमेंशन, उसकी लेंथ है टू डायमेंशन एंड उसकी हाइट है, सो थ्री डायमेंशन, क्लियर। सिमिलरली वार्डरोब, थ्री डायमेंशन। आपका जो रूम है, रूम भी क्या है, थ्री डायमेंशन है, क्योंकि रूम में क्या होता है, अगर आप फ्लोर पे देखेंगे, जो फर्श है आपके घर का, उसमें क्या है, आपको लंबाई दिखेगी, चौड़ाई दिखेगी, और अगर आप वॉल दिखेंगे तो वॉल में क्या है, रूम की हाइट है। सो अ रूम इज थ्री डायमेंशन, क्लियर। सिमिलरली बॉक्स, बॉक्स इज ऑल्सो थ्री डायमेंशन, बॉल, बॉल इज ऑल्सो थ्री डायमेंशन, दिस इज ग्लोब, थ्री डायमेंशन, क्लियर। सो नाउ यू नो 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। नाउ लेट्स सी फ्यू थ्री डायमेंशन शेप्स। हम क्या करेंगे, कुछ थ्री डायमेंशन शेप्स देखते हैं। तो एक होता है क्यूब, व्हाट इज इट कॉल्ड, CUBE, क्यूब, और क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती हैं, देन इट इज कॉल्ड क्यूब। आप सांप सीढ़ी सब खेलते हो, तो सांप सीढ़ी में जो आप ये यूज करते हो ना, इसको बोलते हैं डाइस। व्हाट डू यू कॉल दिस, दिस इज कॉल्ड DICE, डाइस। सो डाइस इज अ क्यूब, उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, एंड दिस इज द शेप इज प्रिज्म, ओके। स्फीयर, SPHERE, स्फीयर, ओके, व्हाट इज इट, स्फीयर, और स्फीयर के आप एग्जांपल्स हैं ग्लोब एंड बॉल। तो बॉल जो है, बॉल सर्कल नहीं होती है, बॉल की शेप क्या होती है, SPHERE, स्फीयर, ओके। हाउ डू कॉल दिस, स्फीयर। कैरेट या आइसक्रीम की कोन, अब कैरेट की शेप कैसी है, इस तरीके की है, राइट, एंड कोन की भी शेप क्या है, इस तरीके की है,
ओके सो इस शेप को हम बोलते हैं कोन. ओके तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं? कोन. आइसक्रीम की कोन होती है, कैरेट भी जो है कोन शेप में होती है. देन सिलेंडर. सिलेंडर शेप में क्या होता है? जो आपकी बकेट होती है, बकेट इज अ सिलेंड्रिकल शेप, या जो ये होता है ना बैंड, सो बैंड इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल शेप. ओके सो नाउ यू नो अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स. आप अपने घर के आसपास या घर में आप डिफरेंट शेप्स को ऑब्जर्व करिए एंड देन यू मेक अ लिस्ट कि कौन सी जो शेप है या जो कौन सा ऑब्जेक्ट है वो किस शेप से मैच करता है. ओके नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. एंड व्हाट इज आवर नेक्स्ट पेज? सॉलिड फिगर्स. ओके एंड व्हाट इज सॉलिड फिगर्स? 3D शेप्स. सॉलिड फिगर्स क्या होती हैं? 3D शेप्स होती हैं. नाउ प्लेन फिगर्स आर फ्लैट फिगर्स विदाउट एनी थिकनेस. सो जो प्लेन फिगर्स होती हैं वो क्या होती हैं? फ्लैट फिगर्स होती हैं. फ्लैट फिगर्स मतलब वही लंबाई, लेंथ एंड ब्रेथ. ओके लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, बट नो थिकनेस. ओके सो दैट इज कॉल्ड प्लेन शेप. और प्लेन शेप का ही दूसरा नाम है 2D शेप्स. एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का दूसरा नाम है, सॉलिड शेप का नाम है 3D ऑब्जेक्ट्स. ओके वेरी गुड. सो नाउ सॉलिड फिगर्स आर नॉट फ्लैट. जो सॉलिड फिगर्स होती हैं या 3D ऑब्जेक्ट होते हैं वो फ्लैट नहीं होते हैं. फ्लैट होते हैं जो बिल्कुल चपटे होते हैं ना, जिनकी मोटाई होती नहीं है, जिनकी थिकनेस ही नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड फ्लैट ऑब्जेक्ट्स. ओके बट सॉलिड फिगर्स या 3D शेप क्या होती हैं? उनकी लंबाई भी होती है, लंबाई को बोलते हैं लेंथ. ओके लेंथ देन BREADTH इसको बोलते हैं ब्रेथ. व्हाट वी कॉल इट? ब्रेथ. एंड ब्रेथ होता है चौड़ाई. एंड THICK थिक, NESS थिकनेस मतलब मोटाई. और थिकनेस को ही आप बोल सकते हैं हाइट या डेप्थ. सो लेंथ एंड ब्रेथ 2 डायमेंशन हो गई. एंड थिकनेस या थिकनेस को ही आप बोल सकते हैं हाइट या डेप्थ, वो हो गई 3rd डायमेंशन. सो सॉलिड फिगर्स में क्या होती हैं? 3 डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस. क्लियर? हेंस दे आर कॉल्ड 3D शेप्स. यहां पे D डिनोट्स डायमेंशन एज आई एक्सप्लेन्ड यू. ओके सो नाउ दिस इज अ क्यूब. अब क्यूब में क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं ये वाली शेप 1, 2, 3, 4 इसको हम बोलते हैं, अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे दिस इज कॉल्ड फेस. सो ऐसे कितने फेस हैं इस क्यूब में? एक फेस ही हो गया. देन दिस इज अनदर फेस. सो 1 फेस 2 फेस देन 3 फेस और इसके जस्ट अपोजिट में भी एक फेस है, 4 फेस. इसके जस्ट अपोजिट में नीचे 5 फेस और ये जो है नंबर 1 के अपोजिट में एक और फेस है, 6 फेस. सो टोटल कितने फेस हुए? 6 फेस. सो क्यूब हैज गॉट 6 फेस. आपके पास जो डाइस होगा ना आप उसमें देखेगा, यू कैन काउंट 6 फेसेस. देन द 2 फेसेस मीट टू मेक एन एज. अब एक तो ये फेस है और एक ये फेस है, ये कहां पे मीट हुए? देखिए एक फेस ये है और एक फेस ये है, ये कहां पे मीट हुए? यहां पे मीट हुए. सो दिस इज कॉल्ड एज. ओके सो दिस इज कॉल्ड एज. जहां पे फेस मीट करते हैं वो होता है एज. और वर्टेक्स क्या होता है? VERTEX वर्टेक्स. वर्टेक्स इज अ कॉर्नर ऑफ अ सॉलिड. सो ये कॉर्नर कहां पे है? जहां पे आपके अलग अलग एज मीट करते हैं. तो कॉर्नर पे आपकी 3 लाइन मीट करती हैं, 1 लाइन 2 लाइन एंड 3 लाइन. ओके और ये जहां पे मीट करती हैं ये कहां पे मीट किया? यहां पे. सिमिलरली ये भी एक वर्टेक्स है. सो व्हाट इज वर्टेक्स? वर्टेक्स इज अ कॉर्नर ऑफ अ सॉलिड. क्लियर? सो नाउ लेट्स गो थ्रू
द शेप्स, फ्यू शेप्स, और उसमें कितने फेस हैं, कितने एज हैं और कितने कॉर्नर से काउंट करते हैं क्यूब. सो क्यूब में एज आई टोल्ड यू हाउ मेनी फेसेस वी हैव, सिक्स, वन टू थ्री, देन इसके अपोजिट फोर, इसके अपोजिट फाइव और इसके अपोजिट नीचे सिक्स. एंड एजेस कितने हैं, ये है एजेस, ओके, सो 12 एजेस. एंड कॉर्नर्स कितने हैं या वर्टेक्स, वन टू थ्री फोर, फोर तो इधर, फिर फाइव सिक्स सेवन एट, एट वर्टेक्स, क्लियर. नाउ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में फेसेस कितने होते हैं, सेम सिक्स फेसेस. क्यूब एंड क्यूबॉइड दे आर एग्जैक्टली सेम, सिर्फ यह है कि क्यूब में ऑल थ्री डायमेंशंस आर सेम, लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस सेम होती है, जबकि क्यूबॉइड में CUBOID क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में क्या होता है, ऑल थ्री डायमेंशंस आर नॉट सेम, बट फेसेस भी सेम है सिक्स, एजेस भी सेम है 12 एंड कॉर्नर्स और वर्टेक्स भी सेम है 8, सेम लाइक क्यूब, ओके. नाउ लेट्स गो टू स्फीयर, स्फीयर में फेस कितना है, ओनली वन, आप किधर से भी देख लो आपको एक ही फेस दिखेगा स्फीयर का. एजेस कितने हैं, जीरो, क्योंकि इसमें कोई लाइन है ही नहीं, जब फेस मीट ही नहीं कर रहे तो एजेस भी जीरो होंगे. और कॉर्नर्स, यहां पे कोई कॉर्नर है जहां पे मीट कर रहे हैं लाइन, ऐसी नहीं है, राइट, यहां पे तो क्या स्ट्रेट लाइन से बना होता है, इसलिए हमारे पास एजेस एंड कॉर्नर्स होते हैं, बट ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बना होता है स्फीयर, दैट इज व्हाई जीरो एज एंड जीरो कॉर्नर्स, ओके, वेरी गुड. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, दिस इज कोन. अब कोन में क्या है, ये फ्लैट फेस है और ये कर्व्ड फेस है. सो कितने फेस हुए हमारे पास, टू, फ्लैट एंड कर्व्ड. एंड वर्टेक्स कितनी हुई हमारे पास, हाउ मेनी वर्टेक्स वी हैव, ओनली वन वर्टेक्स, राइट, सो वन वर्टेक्स. एंड हाउ मेनी एजेस, हाउ मेनी एजेस वी हैव, ओनली वन, जहां पे अलग अलग फेस आपका मीट करता है, सो दिस इज योर एज, ओके, सो दिस इज योर एज, वन एज. सिलेंडर, सिलेंडर में कितने फेस होते हैं, फ्लैट सरफेस इधर वन, देन दिस इज अगेन फ्लैट सरफेस, सो वन एंड टू, टू फ्लैट फेस एंड दिस इज कर्व्ड फेस, ओके, सो वी हैव वन टू, टू फ्लैट फेस एंड थर्ड कर्व शेप, दिस इज कर्व्ड शेप. सो टोटल थ्री फेस, हाउ मेनी एजेस वी हैव, वन एज हेयर एंड वन एज हेयर, टू एज. एंड हाउ मेनी वर्टेक्स वी हैव, वर्टेक्स क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहां पे हमारा कोई स्ट्रेट लाइन मीट नहीं कर रहा है, सो जीरो वर्टेक्स. वर्टेक्स होता है जहां पे ट्रायंगल शेप में है ऐसे, राइट, या रेक्टेंगुलर शेप में जहां पे दो लाइंस मीट करती हैं. सो यहां पे हो ही नहीं रहा क्योंकि हमारे पास ऐसी लाइंस है ही नहीं जो मीट कर रही हैं. सो जीरो वर्टेक्स, क्लियर, वेरी गुड. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, आउटलाइंस ऑफ सॉलिड फिगर्स. सॉलिड फिगर्स कैन बी यूज टू मेक फ्लैट फिगर्स. अगर आप सॉलिड फिगर्स को देखेंगे तो सॉलिड फिगर्स में फ्लैट फिगर्स भी छुपी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आप ये देखते हैं क्यूबॉइड, दिस इज अ क्यूबॉइड, क्यों, इसमें तीन डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस. अगर आप इसका ये वाला साइड देखेंगे, ये फेस देखेंगे, एंड व्हाट डू यू सी, यू सी अ रेक्टेंगल. आप क्या देखेंगे, ऐसा एक रेक्टेंगल देखेंगे. सो सॉलिड फिगर्स में क्या होता है, प्लेन फिगर्स भी छुपी होती हैं. दैट मीन्स सॉलिड फिगर्स मतलब 3D शेप्स. सो 3D शेप्स में आपके पास प्लेन फिगर्स या 3D फिगर्स भी, 2D फिगर्स भी छुपी होती हैं. सो इन दिस आई कैन सी रेक्टेंगल, ओके, 2D शेप, प्लेन फिगर. प्लेन फिगर मतलब 2D फिगर एंड सॉलिड फिगर मतलब 3D फिगर. सो इन दिस आई सी अ सर्कल, ओके, एंड इन दिस ऑल्सो I see one square, okay? ये basket है आपकी, cube है, तो cube shape में आपको क्या दिखता है, square, okay? Fine. So with this we will stop here and we will continue with the next topics in our
नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. थैंक यू.